आप मेरी बात नहीं मानते ना, आपको खुद डिस्चार्ज करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमको तो पता है फरजाना, अस्पतालों से मुझे शदीद नफरत है, वहशत होती है, मैं वहां मजीद नहीं रह सकता था। वैसे डैड, अगर आप एक आध दिन रुक जाते हॉस्पिटल में, थोड़ी सी केयर अच्छी हो जाती आपकी। यार 3-4 घंटे ऑब्जर्वेशन में गुजार तो दिए थे, बस बहुत। लेकिन एक बात प्लीज मेरी अपमान लें, देखें 2-4 दिन ऑफिस के मामला से थोड़ा सा दूर रहे, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूं। ठीक है बेटा, अब बिजनेस के मामला तुम ही देखोगे सब लोग। जी डैडी, रेस्ट करें। बीबी सूप तैयार है, रखो इधर। पांच मिनट और पकाओ। बीबी अगर आप कहें तो सूप मैं साहब के कमरे में पहुंचा दूं। हरगिज़ नहीं, मुझे किसी पे एतबार नहीं। इस घर में कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता, किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। कल जो कुछ भी हुआ वो बजाहिर एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन ये छोटी सी बात डैडी की जिंदगी के लिए सख्त खतरा भी बन सकती थी। जाओ। ठीक है। सूप डैडी, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारी बहू ने किचन में एंट्री दी है। ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं किचन में जाके आपके लिए खाना भी खुद बना सकती हूँ। चेक करें, वैसे तो मैं देख के लाऊं, इट्स परफेक्ट। ओके डैडी, मैंने सोचा है कि आपके खाने की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, मेरी निगरानी में बनेगा जो भी बनेगा। आप किसी और के पके हुए खाने को हाथ भी नहीं लगा, खास तौर पे चांद की। बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल लड़की है, बहुत गैर जिम्मेदार। बेटा बेटा सुनिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। डैडी यू टू काइंड, हो जाती है गलती, लेकिन इंसान को अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। आप शायद उसकी स्टूपिडिटीज को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे हर चीज। बेटा आपका सूप बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार सूप बनाया तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके लिए खाना बनाना कोई मसला नहीं, इनफैक्ट मैं आपके सारे काम आज से खुद कर रही हूँ। पानी लाऊं आपके? बिल्कुल आके दे दो।